हुआ में जो हमारी तीनों सभाएं हैं, श्री गुरु रविदास सभा जी, सतगुरु कबीर सभा और गुरु नबादा सभा जी, हम तीनों सभाओं ने मिलकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से कर रहे हैं, जो पिछले दिनों राजस्थान में जो एक इंद्र कुमार लड़का जो छठी क्लास में पढ़ता था, तीसरी क्लास में पढ़ता था, 7-8 साल उसकी उम्र थी, वहाँ सा एक मास्टर था जिन्होंने अपने पीने के लिए अलग एक मटका रखा था, बच्चे को प्यास लगी थी, उसको क्या पता था कि जातिवाद क्या होता है, उसने उस गलती से पानी पी लिया और उस टीचर ने, उस मास्टर ने उसको इतना मारा कि उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। पिछले दिनों 15 अगस्त में पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे आज़ादी का। हम ये आज आपके माध्यम से जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे पूछना चाहते हैं, ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सा अमृत महोत्सव है जहां आज भी 75 साल के बाद भी लोगों को पानी पीने का हक नहीं है। आप बोलते हो इलेक्शन के टाइम के सब हिंदू हैं, अगर हिंदू हैं तो फिर इस लड़के को पानी पीने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों देगी कि उसको जान देकर चुकानी पड़ी हो। इस पहले भी जो बहुत बड़े वाक्य होते थे, हम प्रोटेस्ट करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इस बार हम अपने आप से बाहर हो गए हैं ऐसी वारदात सुनकर। अगर गवर्नमेंट ने, उस सरकार ने जहाँ कानून ने उसको अरेस्ट किया है, हम ये हाथ जोड़कर और एक चेतावनी देकर ये विनती करते हैं कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कठुआ की जितनी भी SC ST OBC की सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा रखी गई है और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि जो हमारा एक बच्चा जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो 20 जुलाई को जब उसने एक प्राइवेट स्कूल में एक मटके को छुआ, तो जब हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को पता चला, शैल सिंह नाम बताया जा रहा है उसका, शैल सिंह जी ने क्या किया, इसी बात पर उस बच्चे को इतना पीटा कि वो बेचारा मर ही गया। 20 जुलाई को ये हादसा होता है, उसके बाद 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक उसका बाप कम से कम भी 6 राज्यों में, 6 हॉस्पिटलों में उसको लेकर घूमा और वो बेचारा अंतम जो 14 तारीख को, वो 14 अगस्त को अंतम हो गया, हाँ 13 अगस्त को वो मर गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था और 15 अगस्त को हिंदुस्तान में, और प्रधानमंत्री का ये अमृत महोत्सव था कि ये 75वां हो गया। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जब अभी तक इस देश में मनुवाद का ही रूल है और कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं दिखता भी नहीं है, तो ना कांग्रेस 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक किसी ने कोई बात सुध नहीं ली उनकी, और इतनी देर में उन्होंने मटका छिटका बदल लिया। अब गोदी मीडिया क्या कह रहा है, मैं सभी मीडिया को नहीं कहता, सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ और भी चैनल हैं, मगर गोदी मीडिया का जो मैं जो इसका जो उल्टी गलत फेक न्यूज़ बना के दिखा रहे हैं कि वहाँ मटका था ही नहीं, ऐसा नहीं था, इतने दिनों के बीच में तो मटका कहीं चला भी जाता है और टैंकियाँ भी फिक्स हो जाती हैं पानी की, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक, तो ऐसा ही हुआ है। अब ये है कि अगर सरकार चाहे तो उस आदमी को जिसने ये हरकत की है, जिसकी मानसिकता इस किस्म की है, उस आदमी को संविधान के मुताबिक तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए इस देश में कोई ऐसी हरकत ना करे। क्या लगता है आपको, दलित हैं तो कम से कम 1950 में जब संविधान भी लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के आज तक उन सरकारों ने इस देश के, विश्व इस देश के लोगों के लिए क्या किया, इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए क्या किया। बाबा साहब ने तो कहा है, हम तो इस बात को मानते हैं, क्योंकि जो बात वो कह के गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी,
कि इस देश से जातिवाद खत्म होगा, और ये जरूर होगा, मगर इसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं होगा, किसी सरकार का योगदान नहीं होगा कि उन्होंने जातिवाद को खत्म। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाशय सदर सभा, आज हमारा जहां इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि जो हादसा राजस्थान में हुआ है, 9 साल के बच्चे को एक टीचर ने मारा है, बच्चा एक भगवान का रूप है, बच्चे को क्या पता मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे इंसान की मानसिकता, इतनी गंदी सोच, इतने घटिया प्रकार का जो लोग कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता रखता है ऐसा, उसको टीचर तो क्या, चपरासी रखने के लायक भी नहीं है, उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने इतना बुरा अपराध किया है कि वो बख्शने के लायक नहीं है। एक दलित के बच्चे को मारना, और ऐसा मारा कि वो बेचारा इसी महीने 13 तारीख को वो बेचारा ख़त्म हो जाता है, और उसके माँ बाप को इतना हरास किया है पुलिस ने, वो भी हमने सुना है, उसके बाप को बहुत ज़्यादा हरास किया है, और वहाँ की गवर्नमेंट कह रहे 5 लाख ले लो और ऐसा करो केस ख़त्म कर दो। गरीब के साथ अन्याय है, दूसरी पॉलिटिक्स होती है, जहाँ कठुए में भी हो रही है, गरीब की कोई नहीं सुन रहा है, ना ही ना गरीब की सुन रहा है, ना को दलित की सुन रहा है। मत किसी शक में रहना कि दलित सोए हुए हैं, दलित जाग उठे हैं। सीआर मुंडे, प्रेसिडेंट रिटायर्ड विंग ऑफ JKRCA, आज हम सारे ही सोशो रिलीजियस जितनी भी हमारी सभाएं हैं, बाकी जो ग्रुप्स हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। आज एक तो हम इस बच्चे को श्रद्धांजलि लेने के लिए हुए हैं इकट्ठे, दूसरा हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार है या जो राजस्थान की सरकार है, उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा करना जो है, जैसे कि आप लोग सारे उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बीमार था तो वो स्कूल कैसे आया था, उसका वीडियो कैसे वायरल हुआ, किस तरह से उसको मारा गया, बच्चे को क्या पता है कि ये मटका किसका है। अगर उसने गलती से उठा भी लिया 10 रुपये के मटके के लिए, उसने उसको इतना मारा कि उसकी जान चली गई, अगर वो उसका कसूर यही था कि वो एक शूद्र परिवार में पैदा हुआ था, और सरकारें भी शूद्रों के साथ जो है वो न्याय नहीं करती हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही केस हुआ था, तो मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने उसको 50 लाख रुपया दिया, तो इस लड़के को, ये इस लड़के की भी तो मर्डर हुआ है, तो इसके लिए 5 लाख उसकी कीमत डाली। आप आदमी देखकर या जाति देखकर आप उसकी कीमत लगाते हैं। हमारे माननीय मोदी साहब भारत को कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, अगर ऐसा ही छुआछूत और ऐसा ही चलता रहा तो ये देश जो है वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है। भेदभाव हो रहा है, इससे जो देश है टूटने की निशानी है। जब वोट लेने की बारी आती है, सभी दलित जो है वो हिंदू हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, जो नेता लोग हैं वो ये नारा देते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ तो हमने मतलब के अपना संगठन बनाओ, लेकिन जब इलेक्शन पूरा हो जाता है तो फिर वो कोई दलित हो गया, कोई छोटा हो गया। ये इस देश को अगर बचाना है तो जो जातिवाद, जो छुआछूत है, उसको मिटाओ। 2 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। आज इस इंदर मेघवाल को मारा गया, उस वक्त बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया स्कूल में, तो 121 साल हो गए, तो हमारी यही दशा रहेगी, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी सभी से अपील है कि सभी लोग जो हैं वो अपने दिल से, हम किसी को दोष नहीं देते, मानसिकता किसी की भी गंदी हो सकती है, कानून है देश में, मतलब अदालतें हैं, लेकिन क्राइम आज भी हो रहा है। आज 20 दिन के बाद उसको मतलब हिरासत में लिया गया, कहाँ लगा उसको SC ST एक्ट। तो हम जो मतलब अपील करते हैं कि अगर भारत को आगे ले जाना है, इसको तरक्की के रास्ते पर लाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है, तो जो देश से छुआछूत
और ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको मिटाइए। राजस्थान का मैं इसको बहुत जोर से कंडेम करता हूँ, ये बहुत ही बुरी निंदनीय घटना है। और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को अगर कोई किसी भी समाज में है, चाहे वो हैं अपर कास्ट में हो, ये ऐसी मानसिकता रखने वाले को कानूनी तौर पर पूरा दंड देना चाहिए, ताकि सारे समाज को एक लेसन मिले कि आगे से कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे।